आदिवासी छात्र संगठन ने शुक्रवार को राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। साथ ही कहा कि सरकार से बार बार छात्र संगठन मांग कर रहा है कि भाषाई विवाद को जल्द समाप्त करें, इसके अतिरिक्त भोजपुरी और मगही को निरस्त करें। सरकार गंभीरता दिखाते हुए बैकलॉग नियुक्ति जल्द से जल्द जारी करे, लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वहीं आदिवासियों मूलवासियों के साथ सिर्फ छलने का काम कर रही है। ये हमारी मांग है, बरसों से मांग रही है आदिवासी छात्र संगठन। 1932 खतियान आधारित हमारा स्थानीय नीति बने और आज सरकार अपने जो वायदे किए हुए थे उसमें कहीं ना कहीं ये बात को जिक्र किए हुए थे कि जब हमारा सरकार बने तो हम 1932 आधारित खतियान के आधारित हम स्थानीय नीति लागू करेंगे। कहीं कहीं से मुकरते नजर आ रहे हैं और झारखंडी भाषा को सम्मान को लेकर उन्होंने कहा था कि झारखंडियों का सम्मान के लिए झारखंडी भाषा को सम्मान देंगे और कहीं ना कहीं आज उनसे भी मुकरते नजर आ रहे हैं। और आज बाहरी भाषा जैसे आपका मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, अंगिका हो गया और बंगाली उड़िया और उर्दू भाषा को स्थानीय भाषा का दर्जा दे रहा है, कहीं ना कहीं आज आदिवासियों को ठगने का काम कर रहा है। तो इस चलते आज हम लोग रोड पे उतरे हैं और उनको एक चुनौती देना चाहते हैं कि आज हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पे पुतला दहन से किए हैं और सरकार समय रहते इस नीति को वापस ले और जो हमारा स्थानीय नीति का मांग है उसे जल्द से जल्द ये चालू करे। और हमारा मांग रहा है कि जो आदिवासियों का वैकेंसी है ST SC की जो वैकेंसी जो बचा है बैकलॉग नियुक्ति लगभग 2,12,000 कुछ है, उसे जल्द से जल्द शीघ्र बहाल करें, क्योंकि आज थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का जो नौकरी है आज हमारा आदिवासी भाई का जो खुला था जो पढ़े लिखे नहीं होने के चलते छूटा हुआ था, आज उसको ये जल्द से जल्द बहाल। किस भाषा का विरोध है और किस भाषा के समर्थन में आप लोग उतरे हैं? जैसे हमारा यहाँ पे झारखंड में 9 भाषाएँ बोली जाती हैं तो आज उसे हम लोग समर्थन में खड़े हैं। और जो आज मगही, भोजपुरी, एका, ओडिया, बंगला और उर्दू का जो जिक्र किया जा रहा है, जो इसको स्थानीय भाषा का दर्जा देने का ये दिया जा रहा है, इसे हम लोग विरोध करें। लेकिन कुछ ही जिलों में ये बात हो रही है झारखंड में। आखिर मेरा कहना है कि झारखंड में तो हो रहे हैं, आज झारखंडी आज असम में भी रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, लेकिन आज झारखंडी भाषा को वहाँ पर दर्जा नहीं दिया जाता है। आज हम झारखंड में उस भाषा का क्यों दर्जा, ये कतई नहीं बर्दाश्त नहीं होती नहीं। कहीं ना कहीं लगता है कि आदिवासियों की बात करके सरकार सत्ता में आई है और हेमंत सोरेन खुद भी एक आदिवासी है, तो क्या लगता है आप लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठगा महसूस हम लोग कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम लोग सरकार में लाए इसको और आज हम लोग जाहिर सी बात हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इनका नीतियों के चलते ही हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आज हर एक सेक्टर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठगने का ही काम लगता है कि अबुआ राज की बात की गई थी, अबुआ राज स्थापित हो पाया है? देशम गुरु आज अबुआ देशम अबुआ राज का कामना कर रहे थे, लेकिन आज का जैसा नीति जो देख रहे हैं आज अबुआ देशम अबुआ राज का अगर कामना अगर किया जाता तो इतना आज हम लोग छात्र और इतना युवा हम लोग वोट पे नहीं आते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।